समाज सेवा का अलग रास्ता अपनाते हुए हमीरपुर का शांतनु अब तक 516 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर उनकी अस्थियों को अपने खर्च पर गंगा जी में प्रवाहित कर चुके हैं। रविवार को शांतनु इन 516 विगत आत्माओं का श्राद्ध करने हरिद्वार रवाना हो गए। पितृ पक्ष में इन दिव्यांग आत्माओं का श्राद्ध हरिद्वार हर की पौड़ी में ब्रह्म कुंड में किया जाएगा, जिनकी अस्थियां करीब 1.5 दशक से शांतनु गंगा में प्रवाहित करते रहे हैं। शांतनु ने बताया कि इस मौके पर 11 ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू विधि विधान से पूर्ण होने वाले इस पूरे कार्य में लगभग 12,000 खर्च आएगा। शांतनु का कहना है कि वह मदर टेरेसा को समाज सेवा के लिए अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। शांतनु मूल रूप से बंगाल के हैं। शांतनु कुमार ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी गरीब अस्थियां विसर्जित करने में समर्थ है तो वह उनके दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकता है। गौरतलब है कि शांतनु कुमार 1.5 दशक से लावारिस लाशों को अपने कंधों पर उठाकर अंतिम संस्कार करवा रहे हैं, यहां तक कि अपने खर्च पर हरिद्वार जाकर अस्थियों को गंगा में विसर्जित भी करते हैं। शांतनु कुमार ने समाज सेवा के लिए अविवाहित रहने का निर्णय लिया है। शांतनु को समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए गॉड फेयर ब्रेवरी अवार्ड से भी राज्यपाल सदाशिव गोखसे ने सम्मानित किया था। 2012 में हिमाचल सरकार ने हिमाचल गौरव अवार्ड से नवाजा। हमीरपुर बाजार में कपड़े की छोटी सी दुकान लगाने वाले शांतनु ने इनाम में मिली राशि भी दान कर दी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो पिछले लगभग 1990 से लेके आज की डेट तक हिमाचल प्रदेश में जहाँ कहीं भी लावारिस शव पाए जाते हैं उनकी अस्थियाँ को इकट्ठा करके अपने ही खर्च पर मैं हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड में उनकी अस्थियाँ को विसर्जित करते हैं। इनके अलावा आज मैं एक अलग सी मकसद से मैं जा रहा हूँ, वो मकसद ये है कि काल अमावस के दिन हर साल की भ्रांति श्राद्ध में 516 लावारिस दिवंगत आत्माओं की श्राद्ध किया जाएगा, जिनकी लगभग 20-22 हजार रुपया लगभग खर्च आएंगे। पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनके श्राद्ध के अलावा उनके वस्त्रदान, 11 ब्राह्मण के भोजन और उनकी पूरा रीति रिवाज के अनुसार उनका पिंडदान के साथ उनका श्राद्ध किए जाएंगे। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि भगवान ने इस पूर्ण काम के लिए मुझे चुना है और ये काम निरंतर जारी है। और जहाँ कहीं भी लावारिस शव पाए जाएंगे मैं उनकी इकट्ठा करने के बाद उनकी अस्थियाँ को हरिद्वार में विसर्जन करूँगा। ये मेरा एक ही लक्ष्य है और पूरा हिमाचल के लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो मुझे इस काम की सहयोग दें। मेरा मोबाइल नंबर 94186 96502 पर संपर्क करके मुझे लावारिस शवों की अस्थियों को पहुंचाने के लिए मुझे मदद करें। धन्यवाद जी।